आप तो है ना, आप सबका धन्यवाद हमको। सुबह तय जो है समाजवादी पार्टी के ऑफिस पर आए, लेकिन उनका इस्तकबाल नहीं किया गया, उनको वापस भेज दिया गया, क्या बात? ऐसा नहीं है, हमारी आज जनरली इलेक्शन के बाद तमाम पार्टी के जिम्मेदारान की और वर्करों की मीटिंग रखी गई थी। उनकी तरफ से हमको ये मैसेज आया था कि वो शाम में 7:30 बजे आ रही हैं, तो हमारी मीटिंग का वक्त हम लोगों ने करीब का कर दिया उनके आने के लिए, बाकी सब लोगों से भी मुलाकात हो जाए, तो उनको आने में किसी वजह से देरी हो गई, जिसकी वजह से इतने लंबा हम लोग अभी 11:30 बज रहे हैं, लोगों की मीटिंग होकर ख़त्म हो गई। तो जो लोग सब आए हुए थे 7:30 बजे से, वो लोग अपने मसरूफियत की वजह से चले गए, इसलिए नहीं हो पाया। आज जो एक मुश्तरका प्रोग्राम जो डायमंड लॉन्स में रखा गया था ताई के इस्तकबाल पर, तो आपने वहाँ पर इस्तकबाल ना करते हुए अपना अलग से इस्तकबाल? हम लोगों की पार्टी की मीटिंग उससे पहले से तय हो चुकी थी, और मुझे नहीं अभी तक ये इन्फॉर्मेशन मिली कि मुश्तरका प्रोग्राम की दावतनामा ज़बानी या तहरीरी शक्ल में हम लोगों के पास नहीं आए। आज नहीं, भाई ताई के साथ भाई ने नाराज़गी का इजहार? नहीं नहीं, हमारी कोई नाराज़गी नहीं, बात ये थी कि इज्तमाही तौर पर लोगों को जमा किया गया था और वो लोग आकर चले गए। देखो, मालेगांव शहर में अकेला आदमी कुछ नहीं होता, और सियासत में अकेला आदमी कुछ नहीं होता। सारे वर्करान यहाँ पर थे, वर्कर्स बैठे हुए थे, और काफ़ी ताखिर के, और वक्त हमने उनको नहीं दिया था, उन्होंने हमको दिया था। और जब उनको ताखिर हो रही थी रास्ते में, जब भी उनका फ़ोन आया था कि हमको आने में देरी हो रही, अब लोग इंतज़ार किए और इंतज़ार के बाद लोग चले गए, तो हम लोग भी एक पार्टी लेकर आए, तो वो जब लोग चले गए तो उसके बाद क्या बचा? मिल तो लेते अपनी मुलाकात की थी। मुझको नहीं मालूम पड़ा कि वो आएंगे बाहर, आपने इतना नहीं दी, आपने जो गेट वगैरह पूरा सब बंद कर दिया था, तो कैसे पता चला? आचार संहिता की वजह से गेट जल्दी बंद करने के लिए शायद पुलिस की गाड़ी गई होगी, मैं ऑफिस में, हम लोग यहाँ थे तो पता नहीं, और आम तौर पर गेट बंद ही रहता है, मीटिंग के वक्त ही वो खुलता है। गेट क्या, ऑफिस के सामने तो कोई गेट ही नहीं है।